जरा आंखें खोलो कुलसूम बाबू जी, कुलसूम बाबू जी। बेगम कुलसूम नवाज का लंदन में इंतकाल, जाती उम्रा में शोक ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ कुलसूम नवाज की मैयत लाने के लिए लंदन रवाना। साबिक खातून अव्वल की मैयत जुमे की सुबह लाहौर पहुंचेगी। तदफीन जाती उम्रा में मियां शरीफ के पहलू में की जाएगी। वजीर आजम की मैयत लाने के लिए बरतानवी हाई कमीशन को तावन की हिदायत। नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन सफदर अडियाला जेल से पैरोल पर रहा। तीनों कैदी खसूसी तैयारी पर जाती उम्रा पहुंचा दिए गए। इब्तदाई तौर पर 12 घंटे के पैरोल पर रिहाई मिली। तौसी का भी इम्कान। शहबाज शरीफ ने महकमा दाखिला पंजाब को 5 दिन के पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी थी। जाती उम्रा में 3 कमरे सब जेल करार। नकलो हरकत महदूद, सिर्फ खानदान के अफराद को मिलने की इजाजत। जावेद हाशमी, खुरम दस्तगीर, आसिफ किरमानी समेत पार्टी रहनुमाओं की जाती उम्र आमद। कुलसूम नवाज ने जमहूरियत की जंग लड़ी, परवेज मुशर्रफ की आमरियत को ललकारा। सियासी जिद्दोजहद में हमारी साथी थी कुलसूम नवाज, वेंटिलेटर पर थी और लोग प्रोपोगंडा करते रहे। जावेद हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। खुरम दस्तगीर खान का कहना है कि कुलसूम नवाज ने जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहा। कुलसूम नवाज का इंतकाल, कौमी क़यादत गमनाक। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आला पंजाब और सूबाई वुसरा की गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर अहम सियासी शख्सियात का भी दुख का इजहार। वकला बिरादरी भी शरीफ खानदान के गम में शरीक। जमहूरी जिद्दोजहद का एक अहद इख्तिताम पजी। बेगम कुलसूम नवाज कैंसर से लड़ते हुए गुज़िश्ता रोज जिंदगी हार गई। कुलसूम नवाज 13 माह तक कैंसर के मर्ज में लंदन के अस्पताल में जेरे इलाज रहीं। बेगम कुलसूम नवाज का सियासत में अहम किरदार। 3 बार खातून अव्वल का एजाज हासिल हुआ, रुकने असम्बली भी रहीं। बेगम कुलसूम नवाज और नवाज शरीफ 1971 में शादी के बाद पुरानी रहायश का 90 रेलवे रोड पर रहायश पजीर रहे। 90 रेलवे रोड पर बनी इमारत को गिरा कर कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और उसी बीमारी में मुब्तला 13 साल बच्चे मुशर्रफ जुबैर का इंतकाल। वर्षा का सर्विसेज अस्पताल के सामने एहतजाज। डॉक्टरों पर इलाज में गफलत करने का इल्जाम। लवाहिकीन बच्चे की लाश लेकर प्रेस क्लब के सामने पहुँच गए। आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। पंजाब काबीना में तौसी, 10 मजीद वुजरा आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर नए वुजरा से हल्फ लेंगे। सैयद सईदुल हसन शाह, मेहर मोहम्मद असलम हरवाना, सैयद हुसनैन जहानिया गिरदेजी, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद इखलाक, आशका रियाज और शौकत लालिका काबीना में शामिल होंगे। 4 मशीर और 5 मुआमले खसूसी भी मुकर्रर। अब कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी। आवाम की खिदमत के लिए इंतजामियों को मुतहरिक होना होगा। तरक्याती स्कीमों के बारे में गलत आदाद शुमार पेश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की जेर सदारत सूबे की तरक्याती स्कीमों का जायजा लेने के लिए खसूसी इजलास। वजीर आला पंजाब से नई IG मोहम्मद ताहिर की भी मुलाकात। उस्मान बुजदार का कहना है की पुलिस में तब्दीली नजर आनी चाहिए, ऐसी पुलिस जो साइलिन की हकीकी खिदमत कर सके। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर पाबंदी आयद। कम उम्र बच्चे चिंचे रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ी नहीं चला सकते। कम उम्र ड्राइविंग करने वाले बच्चों के वालिदैन को पहले मरहले में तलब करके बयान हल्फी लिया जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स।
عمدہ سوال سے ہی عدالت میں پیشی، شہری کی درخواست پر مقدمہ درج نہ کرنے پر توہین عدالت کا کیس، آئی جی پنجاب محمد طاہر اور سی سی پی او ہائی کورٹ میں پیش، عدالتی حکم کے باوجود پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی، درخواست گزار۔ محرم الحرم کا آغاز شہر بھر میں مجالس امام بارگاہ، عطیہ اہل بیت نیکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹ روڈ پر مجالس کا اہتمام، زاکرین نے مصائب اہل بیت بیان کیے۔ محرم الحرام پر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، 15,000 اہلکار ڈیوٹی دیں گے، سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی، مجالس اور جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم، وزیر اعلی پنجاب آج کنٹرول روم کا دورہ کریں گے۔ آرنج لائن ٹرین کا ملبہ نہ ہٹانے سے متعلق کیس، چائنیز کمپنی کے کنٹریکٹر اور سیف سٹی کے ایس ایس پی ناصر اکبر ہائی کورٹ میں پیش۔ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل مائیکل الیسٹر تھامسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مائیکل الیسٹر نے کالج کو سابق پرنسپل کے اختلافات کے دوران 2 فروری 2016 کو جوائن کیا۔ مائیکل الیسٹر تھامسن نے استعفیٰ بورڈ کے اہم عہدیدار کے کہنے پر دیا، ذرائع کا دعویٰ۔ اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈر طلبا کے احساس میں فلیٹس ہوٹل میں تقریب، وزیر برائے اعلیٰ تعلیم راجہ یاسر ہمایوں نے پنجاب گروپ آف کالجز کے ہونہار طلبا میں انعامات تقسیم کیے۔